दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। इंडिका पॉडकास्ट की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लोकेश कौशिक जी को, जिनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कालदंड काफी प्रचलित रही है और लोगों ने उसको काफी सराहा है। उनसे मेरी बातचीत पहले हो चुकी है, काफी कुछ जाना है मैंने उनके बारे में अपने मित्रों से और जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है। मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो मुझे लगा नहीं कि इनका ये पहला उपन्यास। आइए आज मिलकर हम लोकेश कौशिक जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये उनकी यात्रा कैसे शुरू। नमस्कार कौशिक। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और मतलब भैया कहूंगा तो कंफर्ट रहेगा। आप भैया कहें, अंकल कहें, आप जो कहें वो कंफर्ट। सर भैया भैया कहेंगे कहूंगा आपको। हाँ, भैया कहेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता जी। लोकेश जी, जैसा कि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में और आपसे भी बातचीत जी हुई, आपने ही बताया, मुझे भी कंफर्ट रहेगा, थोड़ा सा एक जय बन जाता। बिल्कुल। तो आप कहानियां तो लिखते रहे हैं, पहले ही मैंने देखा था और पढ़ा भी है। ये उपन्यास के बारे में आपने कैसे सोचा और ये यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई, जरा इसके बारे में। भैया मैं थोड़ा सा एकदम शुरू से बताता हूँ कि कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। जी असल में क्या है कि बचपन में जब हम सब लोग ऐसे परिवारों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, जो अक्सर अपने माता पिता से ज्यादा अपने दादा दादी या ताऊ ताई के पास सोते हैं, वहीं सब किस्से कहानियां चलती है। हमारे मामा लोग जब आते थे, वो आती थी, वो सब उनके पास हम बैठ के अपना समय, सारे बच्चे बैठे होते थे उनके पास, तो कहानियां सुनते थे। तो मेरी बड़ी माँ, मेरी ताई, जो मेरी ताई जी थी उनको हम बड़ी माँ कहते थे, तो मेरी बड़ी माँ के पास सोने की हम सब बच्चों में बड़ी होड़ मची होती थी कि बड़ी माँ के पास कौन सोएगा, क्योंकि बड़ी माँ कहानियां सुनाती थी। और बड़ी माँ के पास, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बड़ी माँ के पास तमाम किस्से कहानियां थे। और वो रामायण का नित्य पाठ करती थी, रामचरितमानस का, शिव पुराण का, अनपढ़ थी पर फिर भी पढ़ लेती। तो उनको देखा देखी बचपन में वो इंटरेस्ट जगा। उसके बाद जैसा कि होता है युवा अवस्था में, आप किसी को देख के कविताएं लिखना शुरू करते हैं, तो वहीं से मेरी भी शुरुआत हुई। वो पहला एक अपने अंदर का जो मन में भाव आते थे वो अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, और वहीं से धीरे 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 करते करते 2015 में मैंने पहली बार एक कहानी लिखी मनीष करके, उसे बड़ा सराहा गया। एक मेरे मित्र है सोशल मीडिया पे, सभी नए नए मित्र बने विशाल से, उन्होंने लोगों के सामने मेरे बारे में बताया, मुझे अपनी आईडी से उन्होंने अपनी मेरी वाली कहानी को पोस्ट किया, और धीरे धीरे फिर लोग जुड़ते गए और समझ में आने लगा कि मैं इसमें कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। मेरा इंटरेस्ट भी था कहानियों में, पहले भी मैं किस्से कहानियां बच्चों में सुनाता रहा, परंतु लेखन की शुरुआत पहली कहानी जो 2015 से। उसके बाद मैंने एक मोर्चरी करके कहानी लिखी थी भैया, और उसको बड़ा, उसको बड़ी प्रसिद्धि मिली और लोगों ने बड़ा सराहा उसको। वो उसका 80% हिस्सा, 80 से 85% हिस्सा मेरा रियल लाइफ का था, पर वो कहानी बहुत टच कर गई लोगों को। उसके बाद बस लगातार कहानियां होती रही, और फिर जब सबने कहा, दोस्तों ने, कि आपको किताब लेके आनी चाहिए, तो पहले तो मुझे लगा कि ये सब तो मेरे बस की चीज नहीं है, ये सब बड़ी बड़े लोगों की बात है, और मैं कहानीकार, मतलब छोटा मोटा कहानी लिखने से कोई थोड़ी ना साहित्यकार हो जाएगा। हरियाणा से हूँ मैं, बेसिकली हिंदी मेरी उतनी स्ट्रोंग नहीं है, तो तमाम गलतियां भी करता रहता था। तो विश्वास कभी लगा ऐसा आया ही नहीं मेरे अंदर कि मैं लिख पाऊंगा। फिर मेरे बड़े भाई समान मित्र हैं और लेखक हैं बहुत बड़े, सर्वेश तिवारी श्रीमुख, आशीष त्रिपाठी और कृपा शंकर मिश्र, इन तीनों की किताबें आ चुकी हैं। सर्वेश तिवारी की परत और पुण्यपथ, आशीष त्रिपाठी की वाला सेक्टर पत्थर की, और कृपा शंकर मिश्र की मधुबाला। एक तिशा अग्रवाल जी हैं, ये सब लोग जो मेरे सब लोग साथ थे, इन्होंने बहुत मुझे मतलब बार बार कहना, बार बार पैम्पर करना कि नहीं तुम कर लोगे। फिर आशुतोष राणा दादा जो है, उन्होंने कहा कि लोकेश इतना कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, कर लो। तो फिर जाके लगा कि कर लेना चाहिए, तब ये पहला उपन्यास आया कालदंड। इससे पहले मैं लिख रहा था उपन्यास, तो
वो मैंने छोड़ दिया, पर ये कालदंड की यात्रा शुरू हुई और कालदंड लोगों ने इसके कुछ मैंने दो तीन चार पार्ट डाले थे फेसबुक पे और लोगों ने सराहा, तो उसके बाद कालदंड मेरा पहला उपन्यास निकल गया। मैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी से सब जब पहली बार मिला था तो मेरी भी लेखन यात्रा वैसे ही है जैसे कि आपने लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया के सहारे शुरू हुआ, लोगों ने कहा लिख लोगे, लिख पाओगे या नहीं लिख लोगे, दोनों तो लिख लोगे, तो जी लिख पाओ से शुरुआत होती है, पहले क्वेश्चन मार्क होता है और बाद में फुल स्टॉप लग जाता है उसमें कि हाँ आप लिख सकते हैं। तो मैं जब पाठक जी के जी पास गया था, मैं पाठक जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से, सुरेंद्र मोहन पाठक, जी वो सपने के साकार जैसा होना था, तो उन्होंने जब पढ़ा था और फिर जब वो मेरे किताब के विमोचन में भी आए थे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो खुद आए थे, वो जबकि उस समय कहीं जाया नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर जब पहली कहानी या पहला उपन्यास कोई लिखते हैं तो जैसा आपने कहा ना, मैं उस बात पर आ रहा था कि 80% उनके जीवन की ही कहानी है, तो वो जी ज्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो उस समय वही होता है कि आप मनगढ़ंत तो कुछ लिख नहीं सकते, वो मनगढ़ंत जो कहा किससे कहानी है वो धीरे धीरे आते हैं, जो आपने जिया हुआ होता है, जो आपने सुना होता है उसी से शुरुआत। लोकेश भाई, आप जो बता रहे थे ना अभी कि आपकी वो एक दूसरी कहानी थी बहुत प्रसिद्धि पाई थी, उसमें क्या था उस कहानी में, हाँ उस भैया, मैं बारे वो में? 80% जो कहानी मैं मेरी बता रहा हूँ वो वही थी। कालदंड जी मेरी कहानी नहीं, कालदंड जी एकदम पूरी तरीके से काल्पनिक है, क्योंकि हम सब लोग गांव से निकल के आए हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए लोग। तो वो हम जब किसी चीज को लिखते हैं तो लेखन में आदमी खुद से देखना शुरू करता है पहले, तो वो कुछ कुछ चीजें ऐसी लगती हैं। कुछ लोगों ने बोला भी मुझे कि ये तो आपने अपने बारे में लिखा, पर वो ऐसा है नहीं। वो तो जब हम अपने नजरिए से लिखते हैं तो लोगों को शायद महसूस हो जाता होगा। मेरी जी क्या जो कहानी बहुत फेमस रही थी वो थी मोर्चरी भी, वो नाम था मोर्चरी, उसका? मोर्चरी वो उसमें लगभग 80% मेरा ही हिस्सा है। मैं बेसिकली चंडीगढ़ पुलिस में जॉब करता हूँ। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था कि वो जो आप अपना किस्सा बताएं उससे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। हमको पता है रेवाड़ी से आते हैं आप, बट वहां से जब हाँ आते हैं जन्म का कहाँ हुआ और आजकल क्या कर रहे हैं, फिर हम आपकी उस आधे से ज्यादा फिर हम तभी समझ जाएंगे कि आपकी कहानी में क्या होगा, बताइए। हाँ तो मनीष भैया, मैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले से हूँ। छोटा सा गांव है मेरा, ढाणी सुंदरोज करके उसको बुलाते हैं। और वहीं से रेवाड़ी से, मतलब एक रेवाड़ी के बारे में शायद पता नहीं कितने लोग जानते नहीं जानते, सैनिकों की भूमि है। गूगल पे आप सर्च करेंगे वीर भूमि के नाम से जाना गया। हम मेरे पिता आर्मी से है, मेरे ताऊ जी आर्मी से, बड़े ताऊ आर्मी, देश की रक्षा में सब लोग, मतलब मेरे ससुर, उनके पिताजी, उनके भाई, मेरे जीजाजी, उनके पिताजी, सब लोग आर्मी बैकग्राउंड। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि आप मतलब पत्थर उठा के मारिए तो किसी फौजी को लगता है। तो बचपन से क्या जी होता था ना कि क्या बनोगे बड़े हो, तो हम लोगों ने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि फौजी बनेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली मैं आ गया पुलिस में, मैं फौजी तो नहीं बन अनफॉर्चुनेटली पाया। हाँ, मुझे कुछ कुछ रहा था, कुछ समस्याएं हुई एकदम से। मतलब धावक में बहुत अच्छा था, जी क्रिस बुलाते हैं मुझे गांव में उसी वजह से। तो अच्छा वाह हाँ, धावक में अपने समय में बहुत अच्छा था, अपने मित्रों में, अपने साथ वालों। तो फिर आर्मी में रेस जो है बहुत अच्छी वो चाहिए, और मैं था कर देता था किसी का। बट फिर मैं चंडीगढ़ पुलिस में आया। चंडीगढ़ पुलिस में आने के बाद मेरी ड्यूटियां, जैसे कि पुलिस वालों की ड्यूटी होती, कभी किसी कैदी के साथ हो लग गई, कभी कहीं किसी को पकड़ने के लिए चले गए, गिरफ्तारी के लिए चले गए, ऐसी मेरी ड्यूटी लगी थी एक कैदी के साथ। तो कैदी था नेपाल का, बहादुर नाम था उसका। उसके साथ मेरी ड्यूटी लगी थी और वो मेरा एक पहलू निकल के आया। पहले मैं समझता था कि हम हरियाणा के लोग हैं, बहुत कड़क होते हैं और मतलब इस तरह के, बट पहली बार मुझे लगा कि मेरे अंदर भी भावनाएं इतनी ज्यादा है। उस आदमी से मैं मिला ना तो मुझे लगा ही नहीं कि वो कोई मतलब क्रिमिनल है। और सच में वो उसके साथ पर कुछ ऐसी चीजें हुई थी, वो किस तरीके से फंस गया, किसी किसी से लिफ्ट ली और कैसे क्या, लेकिन उसको चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया। और बाद में उसके साथ ड्यूटी करते करते मुझे उससे थोड़ा सा लगा हो गया, ये हो जाता है इसको, वो जो होम सिंड्रोम क्या बोलते हैं, एक वो बोलते भी है ना अंग्रेजी में ऐसा कुछ, वो भी हो जाता है। जी उस तरह की चीज भी, किसी के साथ आप रहे तो आपको वो क्रिमिनल नहीं दिखाई देता, शायद ये भी रहा हो। वैसे वो बड़ा क्रिमिनल था भी नहीं, उसकी एंट्री हुई थी भारत में और किसी बाइक चुराने वाले के पीछे बैठ गया, तो बाद में वो पकड़ा गया। तो वहां पे जो
उसकी डेथ हो गई भैया। मैं एक महीने उसके साथ ड्यूटी पे रहा और फिर उसकी डेथ हो गई, तो मैं कैसे, बड़ा रोया उसके लिए। कैसे, कैसे उसको, उसको उसको कुछ प्रॉब्लम थी स्पाइनल, उसमें कोड में कुछ दिक्कत थी उसको, और उसका ऑपरेशन हुआ। मतलब हमारे प्रशासन ने, चंडीगढ़ प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने उसका खुद का खर्चा वहन किया था। और उसके साथ दिक्कत ये थी कि उसकी डायरियां और वो सब कुछ जो सामान था उसका, वो गुम हो गया था कहीं पे। वो बस स्टैंड पे आया था, उसका सामान वगैरह गुम हो गया था, कुछ एक्सीडेंट भी हुआ था उसका, तो उसका कुछ सामान नहीं मिला। तो उसके घर पे नेपाल में हम कोई फोन कॉल नहीं कर पाए। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे इंचार्ज ने बहुत कोशिश की, जेल प्रशासन ने भी बहुत कोशिश की कि कुछ किसी तरह इसको, इसके घर तक खबर की जा सके। तकरीबन 1.5-2 महीने हम लोग उसके साथ थे, उसके बाद उसकी डेथ हो गई भैया। तो रात को उसके साथ ड्यूटी कर रही थी उसकी डेड बॉडी के पास, तो वहीं से वो मैंने मोर्चरी, वो मेरा जो अनुभव था वो एक भावुक पर हॉरर एक कहानी है, और उसको बहुत पसंद किया गया। वो मतलब मील का पत्थर मेरे लिए, उसने आपको हौसला दिया कि हाँ, मतलब मैं एक दोस्त लिए और चढ़ता हूँ। सही मायने में भैया वो कहानी होता क्या है कि हम लोग को अंदर से भी तो पता ही होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इतनी अकल आ जाती है कि लोग कहें कि आप प्रेमचंद जैसा लिखते हैं या आप कालिदास जैसा लिखते हैं, बट हमको अंदर पता रहता है कि हम कैसा लिखते हैं। तो वो धीरे धीरे आपको समझ, और ये एक यात्रा है। पहले ही मैंने पढ़ा है कि पहली ही रचना किसी की भी बहुत ऐसी छोटी की रचना नहीं होती। आप धीरे धीरे लिखना सीखते हैं। और मुझे ये भी, कई बार तो हम पीछे की कोई रचना पढ़ते ना भैया, तो हंसी भी आती है क्या लिखा, हंसी आती है। अरे आप फेसबुक पे 10 साल पहले जो आपने लिखा होगा, अगर आप उसके सामने अभी मेमोरीज में अगर वो आता है और आप उसको देखें, तो आपका मन करता है डिलीट कर दी जाए। बट वो चूंकि आप ही देख रहे हैं तो, और नहीं देख रहा है, तो फिर आप सोचते हैं चलो ये भी पढ़ा ही रहे, तो कम से कम एहसास दिलाता रहेगा कि यात्रा शुरू कैसे की थी आप। ये होता है, इस तरह का होता है जी। तो चंडीगढ़ पुलिस में है आप फिलहाल, और चंडीगढ़ में ही रहते हैं? मतलब परिवार मेरा गाँव में है फिलहाल। हाँ, मेरे माता पिता, पिताजी रिटायरमेंट के बाद वही गांव में ही है, तो बच्चे वहीं पे हैं अभी। तो आप नई कहानियां ढूंढते रहते हैं आजकल? मनीष भैया, कहानियों का, जैसे कि आप खुद भी एक लेखक हैं, एक लेखक का एक नजरिया हो जाता है, उसको चलते फिरते कहानियां दिखने लगती है। जी, हम किसी की, किसी को सुन लेते हैं ना, साइड से भी निकलता तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, लगता है कि यार इसमें भी एक कहानी, और हर बात का एक पहलू निकल के आता है। तो वो कहानियां, अच्छा मुझे थोड़ा एडवेंचर टाइप की स्टोरियां ज्यादा पसंद। बाकी लोगों ने कालदंड भी जो है वो इसी तरह की है, एक थोड़ा सा एडवेंचर कहानी है, क्या है आप छोटा सा, अगर आप पूरा ना खोलते हुए कहानी का थोड़ा सा अगर हमको बताएं, जिससे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके मन में उत्सुकता जागे, एंड नहीं बताइएगा बीच के टुकड़ों में कुछ बताइए कि कहानी किस बारे में। एक लड़का है विशु, विशाल, ये मैंने करेक्टर अपने उसी मित्र को समर्पित किया था जिसने पहली बार सोशल मीडिया पे मुझे प्रमोट किया। तो विशु जो है, उसने विशु क्या करता है कि एक लड़की से प्रेम करता है, और विशु के घर में एक मंदिर बना हुआ है, वहीं से यात्रा शुरू होती है। तो प्रेम में और उस मंदिर के अंदर जो एक चीज रखी हुई है, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, वहीं से हत्याओं का सिलसिला शुरू होता है उसके क्षेत्र में। और हत्याओं में क्या होता है कि जीभ कटी हुई है, आंख निकाली हुई है, और सभी हत्याओं में, सभी हत्याओं में एक चीज कॉमन होती है। जी, जैसे कोई साइको करता है ना, तो जब साइको किलर जब हत्याएं करता है तो वो अपना एक निशान छोड़ के जाता है। जी, उसको हमेशा, क्योंकि वो साइको किलर बनते ही ऐसे हैं, वो जब समाज में अपने आप को बहुत अपेक्षित किसी इस तरह का मान लेते हैं ना, तो खुद की आइडेंटिटी शो करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम हैं, हम डिजर्व करते हैं, तो वो खुद को दिखाने के लिए उस तरीके की चीजें हैं। तो इस कहानी में भी वही है। हमारा नायक अपने गांव के जोहर से ऐसे घूमता रहता है आसपास, वहां पे बैठ के अपनी प्रेमिका को याद करता है, और उसके पीछे उसको पहली बार किसी के गिरने की आवाज आती है, एक कुआ होता है, वहीं से रहस्य शुरू होता है सारा, वहीं से हत्याएं होती है। वो कुआ जुड़ा होता है किसी पहाड़ी से, बहुत एक मतलब एक खाका मैंने
तैयार किया। और मैंने क्या तैयार किया, जब आप लेखक हैं मनीष जी, आप समझ सकते हैं, जब हम लिखने लगते हैं तो पता नहीं चीजें कैसे कैसे अपने आप कड़ियां जुड़ती जाती। कहानी में महादेव का एक स्थान है, मानेर मंदिर, मानेर महादेव। और उस मानेर महादेव के पास आज से ऋषु के कालखंड से 200 साल पहले सारंग नाम का एक लड़का होता है। वो उसके पूर्वजों ने शक्ति से कालदंड अर्जित किया है। कालदंड यानी समय, काल, समय का दंड, समय को कंट्रोल में रखने वाला। और इस पूरी कहानी में वो कालदंड एक अपने आप में करेक्टर है। बाकी करेक्टर स्टेबलाइज हो ना हो, कालदंड स्टेबलाइज हो जाता है। मेरा मेन जो मेरा मकसद था वो था कालदंड को लेके आना, कि कालदंड कैसे काम करता है, क्या है कालदंड के बारे में, और वही था। और इसमें 200 साल का एक पीरियड होता है सारंग का, सारंग और सावित्री का, और उसके 200 साल बाद विशु और पूनम का एक वो है। तो इन दोनों के बीच की कहानी है ये कालदंड की स्टोरी। और मैं चाहूंगा कि हम लोग इस इंटरव्यू के बाद इस यहाँ पर नीचे इसका लिंक दे देंगे जहाँ पर ये पुस्तक अवेलेबल है। ये अमेज़न पर अवेलेबल है, राइट? जी भैया, ये अमेज़न पर अवेलेबल है और दिनकर पुस्तकालय में भी मिल रही है जी। और इसके अलावा आप लिखने के अलावा और क्या शौक है आपको, अगर समय मिलता है आपको? वैसे मैं ये पूछना ही चाह रहा था कि आपकी तो जो पुलिस की एक नौकरी होती है, कहा यह जाता है कि 2400 घंटे और 365 दिन की नौकरी होती है, इसमें समय तो होता ही नहीं, तो ये कहां से, यही एक चोरी है जो आपने की होगी आज तक जिसका आपको दंड नहीं मिला, तो ये चोरी कैसे कर लेते हैं आप? ये तो तय है कि आप समय चुराते हैं, ये तो तय है, तो अपराधी तो आप हुए जी। मनीष भैया, मैं क्या करता हूँ, मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है जी। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, आध्यात्मिक हूँ मैं, तो पूरी पीठ वाले शंकराचार्य जी महाराज मेरे गुरु हैं और उनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की, तो मतलब आध्यात्मिक हूँ, उसमें भी समय निकाल लेता हूँ। मैंने मेरा जप करना है या पूजा पाठ करना है, महादेव की पूजा अर्चना करनी है, महादेव का भक्त मेरे ईश्वर, तो मैं वो सब कुछ कर लेता हूँ। और लोगों को शिकायत होती है, पर असल में पता है भैया क्यों होती है शिकायत, वो लोग बाहर टाइम स्पेंड करते हैं, मैं मेरा टाइम एकदम कैलकुलेट रखता हूँ, ऐसे 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 यही करना है, मैं वैसे ही चलता हूँ। मुझे पहाड़ों पे जाने का बड़ा शौक है और मैंने मतलब तमाम जगह की ट्रैकिंग की है, और चंडीगढ़ पुलिस के और भी मेरे कुछ साथी हैं, हम सब मिलके बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियों पे भी गए हैं। और घूमने का बड़ा शौक है, म्यूजिक का बड़ा शौक है, उसके अलावा बस वो भजन कीर्तन पूजा पाठ ये सब इसमें मन रमता है मेरा। साधारण फिल्में देख ली, और मुझे हॉलीवुड की फिल्में बड़ी पसंद है, मार्वल सिनेमा, डीसी सिनेमा, इस तरह की, मुझे वैसा ही लिखना पसंद है, वैसा ही देखना पसंद है। तो समय का हो जाता है, पुलिस में क्या होता है कि पुलिस में ड्यूटियां इस प्रकार से होती है, अगर आप थाने में हैं तो फिर आपके पास समय नहीं, आप सिक्योरिटी में हैं, आप सीआर में हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग समय का वो चलता रहता है। तो मैं समय को बाहर वेस्ट नहीं करता कहीं भी, मैं जितना वो करता हूँ, मैं अभी भी मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ में छोटी सी अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, उसमें है तकरीबन यहाँ भी है कुछ किताबें, और 60-70 किताबें यहाँ भी हैं, और उसके अतिरिक्त गांव में भी है, मतलब मैं किताबें पढ़ने का पूरा शौक जी। तो ये लाइब्रेरी है, ये आप ही पढ़ते हैं या अपने दोस्तों को भी पढ़वाते हैं? आपने कुछ लाइब्रेरी, जैसे हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने एक ऐसी घरेलू लाइब्रेरी बनाई है, हम लोगों ने बातचीत की, घरेलू लाइब्रेरी बनाई है और वो लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के किताबें पढ़वाते हैं, तो आप भी वैसा कुछ करते हैं या ये लाइब्रेरी आपकी खुद की लाइब्रेरी है और आप भी पढ़ना पसंद करते हैं? भैया, मेरी धर्मपत्नी का नाम है प्रिया, उसने बड़ा साथ दिया है। वो क्या करती थी, वो जैसे किताब आती थी ना तो पहले उठा के रख लेती अपने, कि पहले मैं पढ़ूंगी फिर आप पढ़। तो जब उसको पढ़ते देख के मेरे कई बार दोस्त भी कहते थे यार भाभी जी पढ़ लेती हैं, तो मैंने कहा तुम भी पढ़ लो। तो लेकिन पुलिस की नौकरी में लोगों के पास जो यहाँ पे रहते थे इस सर्कल में, इनके पास इतना समय नहीं है। जो मेरे मित्र यहाँ, अभी एक दो मित्र हैं मेरे जिनके साथ मैं रहता हूँ फिलहाल, तो वो लोग आध्यात्मिक किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, उनके पास खुद के पास वो सब दर्शन पे, वेद वेदांत पे, पुराणों पे, शास्त्र, वो सब वो पढ़ते हैं। तो मेरी किताबें मेरे गाँव के मित्र ज्यादा पढ़ते हैं, यहाँ कम पढ़ते हैं लोग, तो मेरी किताबें सब लगभग मेरे पास ही रह जाती हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें जी। और ये जो आपकी किताब है, आपके डिपार्टमेंट में
जब आपकी किताब प्रकाशित हुई तो उनको ये पता था कि आप लेखक हैं, तो वहां पर कैसे सराहा गया, उनके लिए आश्चर्य था ये? भैया मैं बताऊं आपको, पुलिस की नौकरी में ये सहज नहीं है कि आप कोई किताब छपवाते हैं या फिर आप कोई भी अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए आपको विभाग से परमिशन लेनी होती है। विभाग परमिशन देता है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। मेरा विभाग इस मामले में कोऑपरेटिव रहा, चंडीगढ़ पुलिस ने समय पे मुझे परमिशन दे दी किताब छपने। तो विभाग की तरफ से जो मेरे साथी हैं, जो मुझे जानते, वो सब अप्रिशिएट तो करते ही हैं। कहीं जाता हूँ मेरे साथ वाले जो मेरे साथ यहाँ पे रहते हैं, जो मेरे मित्र, वो भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो उनका अप्रिशिएशन तो मिलता रहा है मुझे लगातार। मेरे साथियों ने भी यहाँ पे बहुत लोगों ने किताबें खरीदी है जो खुद नहीं पढ़ते, फिर भी उन्होंने खरीदी है और उन्होंने पढ़ी है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ, कहते कि नहीं तूने किताब लिखी है तो हम पढ़ेंगे, तूने कुछ अच्छा ही लिखा हो। अच्छा, और जैसा भी आप बता रहे थे हम लोगों को शुरुआत में बता रहे थे कि आपके परिवार में, आपका परिवार और आपके ससुराल पक्ष वाले, आपका पूरा जो चाचा ताऊ है, वो सब सभी या तो फौज में है या भारत की हाँ, जो सेना है उससे किसी ना किसी तरह से हाँ जुड़े जुड़े हैं, हुए सुरक्षा से जुड़े हैं। आपके मित्र भी पूरे सारे। जो एक परिवार है, दायरा है वो पूरा, उसमें कोई लेखक हुआ है आज तक, कि आप पहले लेखक हैं? मेरे आसपास में तो कोई लेखक नहीं है, एक मेरे गांव में, मैं उनको गुरुजी कहता हूँ, सत्तन शर्मा नाम है, वो रागनिया लिखते हैं हरियाणी, तो वो रागनिया लिखते हैं। बस एक वो थे ऐसे जो जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत लिखा है। कहानियां किसी ने कभी नहीं लिखी, कहानियां गढ़ी बहुत जाती हैं गांव में, किससे जी, शाम मैं को वही जब कह रहा बैठते था थे। कि कहानियां हाँ गढ़ी जाती हैं, लिखी नहीं हाँ जाती। जी, तो सब लोग लेखक तो रहे हैं, बस वो लिख नहीं पाए हैं, उन सबके बीच में कहानियां रही है। ये अच्छा माहौल मिलता है गांव से, तमाम लोगों की अलग अलग तरह की बातें, और भूत प्रेत की बातें तो बड़ी चलती थी। हम छोटे थे ना, तब तो ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट इसी में होता था, और एक दो लोग तो ऐसे मिल जाते थे गांव में, भाई मैं जा रहा था वहां से और मेरे से भूत ने बीड़ी मांग ली तो वो सब चीजें होती थी, तो उससे सीखने को हाँ, बड़ा भूत मिलता मुझे आज तक समझ में नहीं आया, सिगरेट क्यों नहीं मांगता, भूत बीड़ी ही क्यों मांगता, ये मुझे नहीं समझ में आया, भूत बीड़ी ही क्यों मांगता है। चलिए है। हाँ मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है, अगली भूत बार बीड़ी पुराने। अगली बार जी भूत से ये भी पूछा जाएगा कि आप हुक्का भी तो मांग सकते हैं। क्या तो हुक्का भी लगता मांग है सकते कि हैं, हाँ आप बीड़ी ही क्यों मांगते हैं, ऐसा क्या है? सस्ती पड़ती होगी भैया लोकेश ये बताइए, अभी जी। हाँ सस्ती पड़ती होगी, और वो बीड़ी आपको शेयर करने में भी दुख नहीं होता, सस्ता ही आता है, वो ही एक मामला होगा। अभी आजकल क्या लिख रहे हैं आप? भैया मेरा एक उपन्यास है पंचभूत मठ, पंचभूत किस मठ चीज के ऊपर भैया, है, क्या विषय है? हाँ पंचभूत मठ हाँ जैसे हाँ कोई पंचभूत। संग्रीला घाटी के ऊपर मैंने बेस रखा है, उसका लिख नहीं पाया हूँ, उससे कालन से पहले शुरू किया था, तो उसी को लेके मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आगे उसको कंप्लीट करूँ। पंचभूत मठ का, पंचभूत मठ जो उपन्यास है वो हमारे जो पंच तत्व हैं उन सबको मिला के जो एक घाटी में, संग्रीला घाटी में, उसके ऊपर मतलब उनकी शक्तियों का केंद्र मैंने बनाया है, उसी को लेके फिक्शनल स्टोरी है, और कहीं ना कहीं ये कालदंड से भी जुड़ती है, ये उसके साथ मिक्स होता है। मैं 5 साल से लिख रहा हूँ, अभी तक पूरा नहीं कर पाया हाँ ये होता है, ये होता है भैया। मैंने भी इसके साथ। 2019 में ये शुरू जो किया। महादेव से लेके रिलेटेड जितनी भी उनसे संबंधित किताबें हैं, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा वो पूरी नहीं होगी। जी मैं बिल्कुल। उपन्यास के सिलसिले में मैं 12 ज्योतिर्लिंग अच्छा कराया, चार धाम, हाँ मैं 12 ज्योतिर्लिंग कराया, मैं भैया चार वाह क्या धाम बात। कराया, मैं पंचभूत सारे मंदिर में होकर आया हूँ, पंच तत्व सारे मंदिर होकर आया हूँ, मैं साउथ के क्या ज्यादातर बात, जितने भी महादेव मंदिर हैं सब होकर आया, क्योंकि उसमें सारी जगहों का इंटरकनेक्शन है। आज मैं पहली बार आपसे, मैं जितनी बात करता जा रहा हूँ तो वो निकल कर आ रही है चीजें, क्योंकि कई जगह ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं आज से 10 साल पहले जिस तरह मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल वो सामने देख रहा हूँ, मिरर इमेज देख रहा हूँ लोकेश, बड़ा अच्छा लग रहा है। और धन्यवाद जब भैया, आपने ये तो मेरे लिए खुशी की बात। तो पंच तत्व आपने जब कहा, पंचभूत कहा, तो मुझे चेहरे पे मतलब बरबस मुस्कुराहट आ गई, और ये हाँ मैंने मेरे आपको ख्याल मुस्कुराते देखा। जी 2000 शायद 17 में ये शुरू किया था मैंने, 17 या 18 के आसपास, आज 5 साल हो गए उसका। आप समझ लीजिए कि 2 पार्ट में है और एक पार्ट पूरा हो चुका है उसका, वो मैंने अभी रखा हुआ है, सब
वो जब ऊपर से आज्ञा आएगी तभी वो पब्लिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो ऐसे ही रखा हुआ है, नीलकंठ नाम रखा हुआ है मैंने उसका। तो आप भी महादेव के भक्त हैं? देखिए हो पता नहीं, वो मानेंगे तब है, होते तो सभी लोग हैं, बट उनकी वो माने कि हम उनके भक्त हैं तब बात। तो हक से मान लेते हैं भैया जी, जैसे बच्चा अपने पिता से जिद कर लेता है ना किसी चीज की, मैं उनको पिता की तरह देखता हूँ महादेव को, और ऐसी तरह जिद कर लेता हूँ कि आप हैं जी। तो बस वो हैं तो हैं, फिर वो तो पीछे खड़े रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा लोकेश आपके साथ बात करके, और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, इसके लिए मैं केशव जी का भी धन्यवाद दूंगा, मेरी उनसे ही बातचीत हो रही। केशव भैया का धन्यवाद मैं भी दूंगा ये पूरी बात में। केशव, मैं कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। केशव भैया ने मतलब बहुत मेरे साथ बहुत अच्छे से, उनका मतलब प्रकाशकों के मामले में क्या होता है आप तो खुद लेखक हैं, प्रकाशक नहीं है वो, प्रकाशक है ही नहीं, मैं सच बताऊं तो वो प्रकाशक नहीं है, सही वो मित्रवत है, भाई की तरह है। तो उनका बड़ा सहयोग रहा उनका, और केशव भैया ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। जैसे तमाम लोग होते हैं जो एक बार मतलब उनको ऐसा लगता है कि लेखक है छोड़ो, लेकिन उन्होंने लेखक की तरह समझा ही नहीं, उन्होंने भाई छोटे भाई की तरह समझा और मतलब स्नेह दिया और बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। और कालदंड को निश्चित समय में वो लेके आए हैं, जितना समय मैंने कहा था उससे भी पहले वो लेके आए, और बहुत अच्छे से उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा। कालदंड लेके आए, मेरी पहली किताब थी, मेरे पहले प्रकाशक भी हैं, और तो उनको मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे पिताजी को, मेरी माता को, और जगत गुरु शंकराचार्य जी, मेरे एक गुरु जी है पंडित योगेश्वर नंद, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आशुतोष राणा को, ये सब लोग, तमाम लोग, मेरे एक नास्पीटे करके एक मित्र मंडली है भैया, उसमें हमारे एक विजय सिंह गुरु जी है, पंकज चमोली है, लोग हैं, प्रदीप शुक्ला है, सौरभ शर्मा, अजीत बंजारी, ये बहुत सारे लोग हैं मेरे मित्र, इन लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया। अच्छा मैं एक बात और अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, समय ज्यादा ले लिया है, सोच रहे होंगे कि नहीं, आप जी भर के बात कीजिए, जी भर के बिल्कुल, आप दिल खोल के बात कीजिए। जब हम लोग शुरू में बात कर रहे थे आपने कहा मैं हमेशा दूसरी तरफ बैठा हूँ, तो आज हमने आपको उस तरफ बिठा दिया, आप हमेशा सवाल करा करते थे, आज हम आपको जवाब देने का अवसर दे रहे हैं, और जो मैं नहीं भी जी कयास करके हमारा एक चैनल है, उसमें मेरे मित्र है काली का प्रश्न, वो सवाल करते थे, मैं प्रश्न तैयार करवाता था, मैं करता, हमने सत्याव्यास जी का, निलोत्पल मृणाल, सब लोगों का, नवीन चौधरी का, निलोत्पल मृणाल का शायद नहीं हुआ, नवीन चौधरी का, और कमलेश कमल भैया का, इन लोगों का इंटरव्यू हम लोगों ने किया है, तो लंबा लॉन्ग इंटरव्यू जो चला है वो इसी तरह का होता है, तो मैं मदद करता था उसमें। तो हाँ मैं ये कह रहा था कि एक लेखक को लेखक बनाने में सर्कमस्टांसेस तो जितने होते हैं, जो परिस्थितियां जो होती है वो तो है ही, आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके घर परिवार के लोग बड़े महत्वपूर्ण। मेरी बड़ी बहनों ने ना, मेरी बड़ी बहन है नीरज और छोटी है निशा, मेरा अपने कोऑपरेटिव रहे हैं मेरे बहन भाई। अब यकीन कीजिए भैया, मतलब लोग, मैं अक्सर सुनता हूँ कि मेरे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मैं फिर यहाँ तक आया, मेरे परिवार ने, मेरे पिता ने नहीं किया मेरी बात। मेरी तो माता मेरे से बड़ी एक्टर है, मेरी मम्मी तो इतने अच्छे, मतलब चलते फिरते आपको एक मिनट, मेरे पिता आर्मी में रहे, हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर भी थे, वो डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, मल्टी टैलेंटेड है, और एक्टिंग भी उनकी लाजवाब है। तो मुझे परिवार से कभी भी ऐसा नहीं रहा, मेरे परिवार ने बड़ा सहयोग किया। मेरी पत्नी, मतलब मैं थक जाता तो चाय बना के लिख लीजिए ना शर्मा जी, पूरे कर लीजिए। अच्छा तो, आप मेरे बच्चे हैं दोनों, हर्ष शर्मा जी, वाह, आपको शर्मा जी कह के बुलाती हैं वो जी हाँ, शर्मा जी कह के बुलाती है, हमारे इधर नाम लेने का प्रचलन तो है नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं, तो मैं शर्मा जी कह के बुलाती है। और मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, मैं आपको इसमें बड़ा अच्छा सा एक किस्सा बताता हूँ। मेरे मामा जी का नाम, अब वो नहीं है दुनिया में, कैलाश नाथ श्रीवास्तव था, और मेरी मामी जो है का नाम सुमान था, दोनों ही नहीं है, और वो मेरे दूसरे माँ बाप, मेरा बचपन मेरे घर से ज्यादा तो उनका गुजरा है। तो वो घरों में जब वो तीज त्योहार होते थे तो वो गाना बजाना तो होते ही, ढोलक लेके बैठ लिया जाता है शाम को, तो वो उसमें एक भजन होता था जो सब लोग गाया करते थे, और भजन के बोल थे, डमरू की आवाज भोले बाबा ने सुनी, सुन के कैलाश पर्वत मगन हो गया। तो वो पूरा गाती थी, डमरू की आवाज भोले बाबा ने सुनी और सुन के मगन हो गया। वो मेरे ख्याल से जब तक
तब तक रही और हम लोग उनको जब तक वो रही हम उनको छेड़ते रहे, अंतिम समय तक हम उनको छेड़ते रहे। तो हम भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो मैं बहुत अच्छे से जोड़ सकता हूँ भैया। आधुनिक जैसे ना कुछ लोगों को लगता है कि आधुनिकता है, अब आजकल नाम ले आवश्यकता पे नाम ले लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं, पर फिर भी वो उसको सहज है, उसने पढ़ी लिखी है उसने चूज किया। मैंने जब उससे पूछा मेरी पत्नी से आप नौकरी करना नहीं, बोली मैं घर परिवार संभालू, वो खुश है उसमें और मैं मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब हम दोनों एक 11 वर्ष हो गए भैया मेरी शादी के, मेरे दो बेटे हैं हर्षवर्धन और अमरचांद, तो हम लोग मतलब इस तरह की एक आइडियल फैमिली जैसे होती है ना। मैं गया तो मैं मेरे बच्चों के साथ मतलब ऐसे ही जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ मस्ती से। हाँ भैया एकदम टाइम पास कर एकदम खुल के हम लोग, मेरे बच्चे मेरे साथ ट्रैक करते, मेरी पत्नी मेरे साथ, मुझे पहाड़ों पे जाने का शौक है तो वो भी मेरे साथ जाए, मुझे चाय पीने का शौक है तो मेरी पत्नी शाम को मेरे साथ बैठ जाएगी चाय ले, उसको पता है कि हाँ ये चाय पिएगी। तो इस चीज का मुझे शुक्र है। और किसी भी लेखक को लेख बनाने में उसके साथ के लोगों का, उसके मित्र मंडली का, उसके परिवार के, जब तक वो साथ नहीं है तब तक कभी कोई खाली लेखक नहीं है कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से आगे बढ़ सकता है। कई बार लोग खुद को क्रेडिट दे देते हैं, मैं इस मामले में खुद को कोई क्रेडिट नहीं दूं। मैं अगर लेखक हूं तो उसमें केशव भैया, सर्वेश भैया, आशीष भैया, कृपा भैया, टीशा अग्रवाल, मेरी धर्म पत्नी, मेरे पिता, मेरी माता, सबका योगदान, सबका एक जी बिल्कुल, इनके बिना तो कुछ बिल्कुल। कमलेश कमल, रवि यादव, नहीं आप टेंशन मत लीजिए, आप ये बोल दीजिए कि मेरे सभी दोस्तों का, क्योंकि एक भी छूट गया तो आपको बाद में पढ़ने वाली है, तो आप बोल दीजिए सभी दोस्तों। अच्छा भैया मैं हाँ ये मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भारत से लेकर रूस तक मुझे पढ़ते हैं, राजपाल सिंह जी हैं मेरे भैया, वो भी पढ़ते हैं रूस में बैठे, और तमाम देशों में भी, और देशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग पढ़ते हैं, सब सोशल मीडिया के जरिए। अच्छा ये भी एक वरदान ही है सोशल मीडिया, इसने हम सबको एक मतलब इसने सीमाएं खत्म कर दी, सबको जोड़ दिया है, तो इसकी वजह से बड़ा, हाँ इसकी वजह से बड़ा वो मिला है। लेकिन अगर फेसबुक पे मेरे मित्र नहीं होते, पाठक नहीं होते, तो शायद मुश्किल होता है ये सब लिखना। उन लोगों ने बार बार आके बताया आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और तमाम चीजें करते करवाते यहाँ तक, तो सबको धन्यवाद देना बनता है आपकी यात्रा। हाँ बिल्कुल देना बनता है, हमको जब भी मौका मिले तो हमको अपना धन्यवाद देते रहना चाहिए, हर किसी का शुक्रगुजार। मैं तो सवेरे उठ के और रात को सोते समय ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ कि भाई आज दिन अच्छा निकाल दिया आपने और कल के लिए हमको तैयार करके रखिएगा। और दोस्त लोग तो इसीलिए है कि आपके अच्छे बुरे में हमेशा साथ में। ओके थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ आए और देखिए हमने आपको महसूस नहीं होने दिया, आप थोड़ा सा कह रहे थे कि बातचीत कैसी होगी, कैसा रहेगा, वो सब क्योंकि वो समझ में आ जाता है कि जब हम लोग कोई ऐसे विषय पर बात कर नहीं रहे हैं कि जो कि हमको आपके पहले से आपका जीवन है उसी के बारे में जानना चाह रहे थे, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं। होता क्या है कि कभी कभी प्रोडक्ट जो है वो उसके बनाने वाले से ज्यादा फेमस हो जाता है, तो हमारा ये रहता है कि हम ये भी बताएं कि इस प्रोडक्ट के पीछे है कौन, जब कितने लोग कालदंड पढ़ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, और सबके मन में यही सवाल आता है कि अच्छा पुलिस वाले हैं, तो अब मेरा इसमें एक अंतिम सवाल आपके साथ ही रहेगा, तो आप पुलिस वाले हैं तो हमेशा आप क्राइम थ्रिलर भी लिखते रहेंगे या फिर कुछ हास्य व्यंग का भी लेके आने वाले हैं, क्योंकि आप जहाँ के हैं वहाँ तो फिर हंसी के लिए ही वो ज्यादा। भैया मैं तो गांव का आदमी हूँ और गांव में तो बात बात पे हंसी व्यंग चलते रहते हैं, हंसी मजाक चलती रहती है, मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, बहुत सारे हास्य व्यंग में भी, हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ उसमें, मैं प्रेम कहानियां मैंने जितनी लिखी है ना वो सब बहुत पसंद की गई है, कि उसके साथ छोटा छोटा हास्य का पुट मेरा रहता ही है। पर होता है ना किसी किसी का, आप किसी चीज में विशेषज्ञ हो जाते हैं, हाँ मेरा जोनर वो वहां चला जाता है, जबकि मैं प्रेम कथाएं ज्यादा अच्छी लिखता हूँ, उससे हॉरर से भी ज्यादा वो सराही गई है। कंगन में एक स्टोरी है, मैं आपको भेजूंगा, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि शायद कंगन को मैं एक उपन्यास के रूप में लेके आऊँ, मजबूत मठ या कंगन में से पहले जो भी पूरा हो जाएगा, अभी दोनों पे काम शुरू करूंगा। तो हास्य व्यंग और ये सब चीजें पे मैं लिखना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब अपने आप को इस तरफ भी लाऊं। तो हाँ भैया एक बात और मैं कह रहा हूँ कि कई बार हम, जैसे आपने एक बात बोली कि प्रोडक्ट के पीछे क्या है ये, अच्छा सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज्यादा मेरी किताबें जानी जाए, मैं ना जाऊँ,
और क्योंकि मैं तो बहुत सिंपल, आपने देख ही लिया होगा बात करके, आपके साथ तो मैं बड़ा सहज था, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ भैया कि आपसे बात कर रहा हूँ तो लग ही नहीं रहा है बिल्कुल कि हम लोग पहली बार आमने सामने, हमारी बात तो हुई फोन पे एक बार और आज भी हुई थी एक बार पहले एक दो मिनट के लिए, पर इतना सहज, मतलब मुझे लग रहा है ना कि एकदम हम पहले से ही मिले हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं सहज रहना चाहता हूँ भैया, और हमारे अंदर तो क्या है, हम सब तो गांव के और सीधे सिंपल से व्यक्ति हैं, पुलिस वाले को लेकर लोगों में एक प्रशासन बना हुआ है कि पुलिस वाले थोड़े कड़क होते हैं, इस तरह के होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब जैसा सीखते हैं अपने परिवार से, अपने गाँव से, अपने माहौल से, वैसे ही बाप बन जाते हैं। मैं भावुक किस्म का आदमी हूँ, मेरे अंदर ज्यादा वो नहीं है कि किसी को डांटना है फटकारना है, चीजें जिस तरीके से चलती है, पर ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी में हम डिसिप्लिन रहे। लेकिन आप उसको फिर बोल दिया करिए कि देख ले, चुपचाप होके बैठ जा, नहीं तो फिर अपनी कहानी सुना दूंगा। हाँ तो बोर होने से अच्छा है वो चुप हो जाए। लोकेश बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। आपकी नई किताब जो आने वाली है, उम्मीद करता हूँ कि आप उसको, पहली किताब से ज्यादा उसको सफलता मिले, और आप ऐसे ही सफलता के जिम्मे गाड़े। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपसे फिर मुलाकात। सभी को थैंक यू। प्रणाम, आपको प्रणाम, धन्यवाद।